ये चमत्कारी तिलक रहता जिसके मस्तक, भगवान भी बन जाते हैं स्वयं उसके रक्षक। धन कुबेर देते हैं रोजाना उसके घर दस्तक, और व्यक्तित्व बन जाता है उसका सबसे आकर्षक। ये चमत्कारी तिलक रहता जिसके मस्तक। तो जानना चाहोगे कौन सा है आपकी राशि अनुसार वो तिलक, जिसे लगाने से आप अपने जीवन में रोजाना गुड लक को जगा सकते हैं? और वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको अदृश्य तिलक लगाने की एक विधि बताऊंगी, जो दिखाई तो किसी को नहीं देगा लेकिन उसका असर पूरा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन चिरकुट की पत्नी बहुत गुस्से में उसके पास आई और आकर के उससे बोली, सुनो कल दाढ़ी बना लेना। चिरकुट बोला, वाई, एनी प्रॉब्लम? बोली, यस, लॉट ऑफ प्रॉब्लम। बगल वाली जो पड़ोसन है वो पूछ रही थी, आपके घर जो बाबा जी आए हैं क्या वो कोरोना का धागा बांध देते हैं? अब आप कहोगे, गुरु माँ हमें जोक क्यों सुना रही है? हमारे भारत देश में जहाँ सर्वस्व को त्याग करके व्यक्ति साधु बनता है, सन्यासी बनता है, बाबा बनता है, एक महात्मा बनता है, एक जोगी बनता है, वहां इस तरह के जोक बड़े कॉमन है। लेकिन एक बात बताओ, सब कुछ छोड़कर के धर्म के पथ पे चलना क्या आपको लगता है बहुत आसान है? बहुत से लोगों को ऐसा लगने लगा है कि बस बाबा जी बन जाओ फिर तो करोड़ों रुपए आ जाएंगे। पर क्या कभी आपने सोचा है कि वास्तव में बाबा जी बनना, किसी का गुरु बनना, एक आध्यात्मिक व्यक्ति बनना कितना कठिन है? केवल 4 घंटे कह रही हूँ मेरी गद्दी पे आकर के बैठ लेना, सिर्फ दरबार में किसी को कुछ मत बताना, ना उसका भविष्य बताना, ना उसकी राशि के बारे में बताना, ना उसका चेहरा पढ़ करके बताना, ना उसकी समस्या का निवारण बताना, केवल आकर के बैठ जाना और जितने भी लोग आते हैं दरबार में उनकी समस्या सुन लेना। लोगों के जीवन में इतनी समस्या है जो एक एक करके वो तुम्हें बताएंगे, और सच मानो 4 घंटे में तुम्हारी हालत ऐसी हो जाएगी कि दुनिया में बाप रे इतना दुख है, हम तो समझते थे हमारे ही जीवन में दुख है। और इतने दुख सुनने के बाद तुम नास्तिक बन जाओगे, नहीं तो पागल तो जरूर हो जाओगे या कहीं से छलांग मार दोगे। इतना दुख संसार में है, किसी की समस्या को सुनना और उसके बाद भी पॉजिटिव बने रहना और सामने वाले व्यक्ति को भी भगवान पर विश्वास दिलाना, ये कोई सरल काम नहीं है। कोई भी व्यक्ति, आम व्यक्ति नहीं कर सकता, केवल वो ही कर सकता है जो उस परमात्मा से जुड़ा हुआ है, जो खुद अपने आप में इतना पॉजिटिव है, इतना सकारात्मक है, रोजाना उसे भगवान के भजन करने से, भगवान का नाम जप करने से, भगवान का कीर्तन करने से, उनके सामीप्य में रहने से, अपने गुरु के आशीर्वाद से उसे इतनी पॉजिटिविटी मिलती है जो वो तुमको देता है। तुम्हें बाबा जी बनना इतना आसान लगता है तो एक काम करो, बस 4 दिन के लिए माला लेकर के बैठ जाना। 10 बार तो तुम्हारा मन उठने को करेगा, मन इतना आसान नहीं है, चाहे तुम्हारे नीचे हम लाखों और करोड़ों की गड्डियां क्यों ना लगा दें। मन को वश में करना सबसे बड़ा कार्य और सबसे मुश्किल कार्य है, जो एक साधक, एक साधु जीवन पर्यंत करता है, उसी के कार्य में लगा रहता है, स्वयं कृपा प्राप्त करता है और आपको प्रदान करता है। ये बिल्कुल भी सरल कार्य नहीं है, लेकिन आज आपकी मानसिकता ऐसी हो चुकी है कि बाबा जी बनना एक गलत कार्य है, एक आध्यात्मिक व्यक्ति केवल चोर होता है, आध्यात्मिक नहीं होता है। और यकीन मानो ये आपकी मिसकंसेप्शन नहीं है, ये आपके दिमाग में जहर भरा जा रहा है। जहर इसलिए भरा जा रहा है क्योंकि अन्य धर्म के लोग नहीं चाहते तुम्हें अपने ही धर्म पर विश्वास हो, वो चाहते हैं तुम्हारा विश्वास उठे, तभी तो तुम इधर उधर जाकर के परिवर्तन करोगे, तभी तो तुम इधर से उधर भटकोगे। अपने धर्म में हमेशा बने रहो और अपने धर्म को बिल्कुल ऐसे समझो जैसे तुम्हारे घर की कोई बात हो रही, तुम्हारे माता पिता के बारे में कोई बुरा कहता है, कोई हंसी मजाक करता है, कोई जोक बनाता है, तुम्हें बुरा लगता है ना, और उससे लड़ते भी हो। तुम्हारे धर्म का कोई मजाक उड़ाता है, तुम्हारे धर्म के किसी व्यक्ति का कोई मजाक उड़ाता है, तब तुम्हें बुरा क्यों नहीं लगता? क्योंकि तुम्हारी कंडीशनिंग ऐसी की जा रही है। एंड आई एम हियर टू शैटर योर रॉन्ग बिलीफ सिस्टम एंड टू शेकन यू, टू अवेकन यू टुवर्ड्स योर ओन इंडिविजुअलिटी, योर ट्रूथ, योर धर्म, योर रिलीजन।
हो सकता है आपको लग रहा हो कि गुरु माँ चार घंटे क्यों, हम तो 5 घंटे बैठ जाएंगे, क्योंकि आपको तो दरबार में बहुत सारा पैसा आ रहा होगा। दरबार आपको बता दूं बिल्कुल निशुल्क लगाया जाता है। दिल्ली में हर गुरुवार सुबह 11 बजे से 2 बजे तक हम दरबार लगाते हैं और वो बिल्कुल निशुल्क है। ना तो किसी से 1 रुपया लिया जाता है, ना ही किसी से मांगा जाता है। अरे जो नारियल या फल भी लेकर के तुम आते हो वो भी हम मंत्र सिद्ध करके तुम्हें लौटा देते हैं। आप भी स्वयं आजमाना चाहते हैं कि सनातन में कितनी शक्ति है, तो स्वयं आएं, क्योंकि ये अनुभव का विषय है। कहने से कुछ नहीं होगा, आप स्वयं आएंगे, अनुभव करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हमारे वैदिक मंत्रों में, शास्त्रों में, इन सभी विधि विधान में कितनी रीजनिंग है, कितनी एक्चुअल सच्चाई है। तो प्रत्यक्ष को तो प्रमाण की कोई आवश्यकता होती ही नहीं है। आए और स्वयं अनुभव करें। और जो लोग आ नहीं सकते तो भी आप परेशान मत हुए। मैं बार बार यही कहती हूँ, मैंने अपने जीवन का त्याग, अपना सर्वस्व इसलिए नहीं त्यागा है कि मैं आप लोगों से कोई कमाई कर सकूं। मेरी केवल एक ही कमाई होगी कि तुम खुश हो जाओ, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ जाए, तुम अपनी परेशानियों से मुक्त हो जाओ और कहो कि हाँ, मुझे हमारे धर्म पर दाज है, धर्म पर विश्वास है, केवल यही मेरी कमाई है जो इस जीवन में मैं करना चाहती हूँ। चिंता मत करिए, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स की फीस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक टोकन नंबर हमारे यहाँ से प्राप्त कर लें। हाँ, टोकन नंबर में आप जो भी श्रद्धा से दक्षिणा अर्पण करना चाहेंगे वो आपकी मर्जी है। वो भी दक्षिणा जो है हमारे यहाँ जो भंडारा किया जाता है उसमें प्रयोग की जाती है। टोकन नंबर प्राप्त करने के बाद वीडियो कॉल पे मैं स्वयं आपसे बात करूंगी, आपको उपाय दूंगी, आप उसको फॉलो करोगे, जरूर आपकी लाइफ में आराम होगा और आप स्वयं कहते नहीं थकेंगे कि सनातन में बहुत शक्ति है। सनातन धर्म बहुत ही साइंटिफिक धर्म है। हर चीज का एक डीप मीनिंग होता है, डीप रीजन होता है, और एक बार में इसे समझ पाना बिल्कुल भी सरल नहीं है। आज हम बात करेंगे तिलक के विषय में। तिलक क्यों लगाया जाता है? What is the scientific reason behind wearing a तिलक? ये सिर्फ एक ऐसा रिचुअल नहीं है कि हमारे पूर्वज करते थे तो चलो हम भी कर ले। और बहुत से बच्चे आज ऐसे हैं जो तिलक नहीं लगाना चाहते, उनको शर्म आती है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, 7 subtle energy points, और जो मेन चक्र होता है आज्ञा चक्र, 3rd eye center भी इसे कहते हैं, ये हमारे सर के बिल्कुल बीचों बीच होता है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड और जो पीनल ग्लैंड है उसको डायरेक्टली इफेक्ट करता है। इस पे प्रेशर देने से, इस पे कुछ लगाने से, जैसे तिलक लगाने से या कुछ भी नेचुरल सब्सटेंसेस लगाने से, ये कुछ केमिकल्स जो है उसका सिक्रीशन करता है, हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो उसको काम करता है। जब भी हम तिलक लगाते हैं कुछ ऐसी चीजों से जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, तिलक लगाने से जो बेटा एंडोर्फिन्स होते हैं और सेरोटोनिन होते हैं, इसका जो केमिकल सिक्रीशन है ये बढ़ जाता है और फाइनली ये हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, नेगेटिव थॉट पैटर्न को रिड्यूस करता है। जितने भी लोगों को एंजाइटी है, डिप्रेशन आजकल बढ़ता जा रहा है, जबकि बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट के चांसेस आज आपकी लाइफ में अवेलेबल है, लेकिन फिर भी डिप्रेशन उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए क्योंकि हम अपने रूट्स को भूल रहे हैं। और तिलक एक ऐसी चीज है जो हमें बैलेंस रखता है, हमें काम रखता है, और ये ऐसे केमिकल्स को हमारी बॉडी में रिलीज करता है जिससे हमें खुशी मिलती है। कुछ लोग जो तिलक है यहाँ पर गले पर भी लगाते हैं, इससे हमारा जो विशुद्धि चक्र है, यानी कि जो हमारी कम्युनिकेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, ये चक्र सक्रिय होता है। जिन लोगों को लगता है वो बहुत अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, उनको यहाँ पर विशुद्धि चक्र पर एक तिलक जरूर लगाना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन अपने आप ही इम्प्रूव होने लगे। चलिए अब जानते हैं शॉर्ट में कि तिलक लगाने से क्या फायदे हो। तिलक लगाने से हमारे जो हेडेक होते हैं, जिन लोगों की माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सर दर्द बहुत ज्यादा रहता है, तिलक लगाने से ये दर्द जो है वो कम होता है। जिसको भी विजन की प्रॉब्लम है, आईसाइट की प्रॉब्लम है, आंखों से प्रॉपर उनको दिखता नहीं है, तिलक लगाना चाहिए, उससे विजन इम्प्रूव होता है, आईसाइट हमारा जल्दी खराब नहीं। जिन लोगों को भी साइनस का प्रॉब्लम रहता है, अगर तिलक करते हैं तो हमारा जो नेजल ब्लॉकेज है वो भी खुलता है और साइनस की प्रॉब्लम भी हमें नहीं होती। जिन लोगों को कान में कोई दिक्कत हो रही है, हियरिंग में प्रॉब्लम है, अगर आप रोजाना तिलक लगाएंगे तो उसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट जरूर मिलेगा। अगर आपको फैटीग रहता है, आप बहुत जल्दी दिमागी रूप से थक जाते हैं, अपने आप को थका थका महसूस करते हैं, मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है, डिप्रेशन जल्दी घेर लेता है, किसी को भी देख करके आप पॉजिटिव नहीं हो पाते, नेगेटिव थॉट्स में घुस जाते हैं, रात में नींद नहीं आती, इंसोम्निया रहता है, स्ट्रेस नहीं मैनेज होता है, टेंशन बहुत रहती है, रोजाना तिलक लगाना शुरू करो, जीवन में देखो कि बहुत परिवर्तन हो। जिन बच्चों की, जिन स्टूडेंट्स की मेमोरी शार्प नहीं है, उनको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, थोड़े समय में भूल जाते हैं,
उनको तिलक जरूर लगाना चाहिए, मेमोरी इससे शार्प होती है, कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ता है। तो चलिए अब आपको लेकर के चलते हैं तिलक बनाने की विधि की ओर, कैसे राशि अनुसार आपको तिलक बनाना है और कैसे उसको लगाना है। और उससे पहले दो तीन इंपॉर्टेंट बातें और जान लीजिए। जब भी तिलक लगाएं उत्तर की तरफ मुख करके, यानी कि नॉर्थ की दिशा की तरफ मुख करके लगाएंगे तो इसका प्रभाव आप पे ज्यादा आएगा। हमेशा अपनी आईब्रोज के बीच में उस तिलक को लगाएं। तिलक सुबह के समय ही धारण किया जाता है, पूजा करने के उपरांत इसे धारण करें। जब भी लगाएं तिलक को अनामिका उंगली से ही लगाएं। अनामिका उंगली से लगाने से सूर्य जो है वो एक्टिव होता है और आपके जीवन में ज्ञान भी आता है और सम्मान भी आता है। और पंडित जी द्वारा या किसी और को जब तिलक करते हैं तो उसे अपने अंगूठे से तिलक को बढ़ा देते हैं। उसे बढ़ाने से, क्योंकि अंगूठे के बेस में कहते हैं शुक्र यानी कि वीनस रिजाइड करते हैं, तो जब भी अंगूठे का प्रयोग करते हैं तो इससे शुक्र के फल में भी इजाफा हो जाता है, यानी कि धन धान्य मान सम्मान यश कीर्ति ये सब बढ़ने लगता है। शनिदेव, जय गुरु मां रुक्मणी जी। मैं भागीरथ पवार, ग्राम टोकी, तहसील मनावर, जिला धार, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। और मैं कर्ज में इतना परेशान था कि लोगों का कर्ज चुकाने के लिए मुझे अपनी जमीन तक बेचना पड़ी, बच्चों की फीस तक मैं भर नहीं पाया। मैंने यूट्यूब पर एक गुरु माँ का वीडियो देखा और मैंने गुरु माँ से संपर्क किया। गुरु माँ ने मुझे कुछ उपाय बताए। वो उपाय करने के आप लोग विश्वास नहीं करोगे कि कुछ महीने बाद ही मेरे जीवन में इतना बदलाव आने लगा कि मैं बहुत खुश होने लगा। आज जो कुछ भी है वो गुरु माँ की असीम कृपा से है। आप लोगों से भी मेरी विनती है कि आप भी अपनी परेशानी का हल गुरु माँ से एक बार संपर्क करके अवश्य निकालें। अगर आपकी राशि कुंभ राशि है, यानी कि एक्वेरियस राशि है, या फिर आपके नाम का प्रथम अक्षर इनमें से किसी एक अक्षर से प्रारंभ हो रहा है, आपके राशि के स्वामी है शनि, और शनि देव को रोजाना प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए और आपका दिन रोजाना लकी जाए, अच्छा जाए, सौभाग्यशाली जाए, उसके लिए आपको तिलक करना है। दो प्रकार से, सबसे पहला तिलक जो आप कर सकते हैं वो है भस्मी से। शनिदेव के यज्ञ की अगर भस्म आपको मिल जाए, या रोजाना आप उनको धूप बत्ती जलाते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं, तो उसका भस्म प्रयोग कर सकते हैं, या फिर नवग्रह मंदिर जो होते हैं वहां से भी आप भस्मी प्राप्त कर सकते हैं। और वो भी उपलब्ध ना हो तो हमसे रिक्वेस्ट कर लेना, 1 जनवरी को हम जो नवग्रह शांति यज्ञ करते हैं उसकी भस्मी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। रोजाना उसे अपने माथे पर आप लगाएं। और दूसरा है काला जो काजल होता है, उसका तिलक भी आप कर सकते हैं। अपने इष्ट देवता को तिलक जरूर लगाएं और पूजा करने के बाद ही स्वयं अपने माथे पर तिलक। इस प्रकार से आप भस्मी को ले लीजिए, अपने हाथ को आप गीला कीजिए गंगा जल से, पानी में गंगा जल मिला करके हल्का सा अपनी अनामिका उंगली को आप गीला कर लीजिए, भस्मी में लगाइए और उसके बाद अपने माथे पर इसे आप तिलक करें। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ अदृश्य तिलक लगाने की विधि। वैसे तो आप हिंदू हो तो शर्म नहीं आनी चाहिए अपने आप को हिंदू बताने में और तिलक लगाने में, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर, कुछ कॉर्पोरेट ऑफिसेस में या कुछ स्कूल्स में दिक्कत होती है कि आप डेली तिलक लगा करके नहीं जा सकते। ऐसी स्थिति में आपको अदृश्य तिलक की विधि बता रही हूँ। अपने घर के मंदिर में जो आप भगवान को डेली स्नान कराते हैं, या फिर जो पंचामृत, इस जल से भी आप तिलक कर सकते हैं। और अगर जो औषधि मैंने आपकी राशि अनुसार आपको बताई है उसे थोड़ा सा मिला करके, यानी कि पानी अधिक मात्रा में मिला लें और वो औषधि, वो चंदन या लेप जो भी बताया है अपनी राशि अनुसार उसको थोड़ी सी मात्रा में मिलाएं, और फिर मिला करके, बहुत सिंपल विधि है, भगवान के चरणामृत से या फिर स्नान के जल में मिला करके या गंगा जल में मिला करके आप सिंपल अपने माथे पे उससे तिलक कर लीजिए। इससे आपको संपूर्ण फल भी मिल जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने तिलक लगाया। आप लोग अक्सर पूछते हो गुरु माँ आप तिलक कैसे लगाते हैं, तो वो आज मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। मैं जब भी तिलक लगाती हूँ तो अपने हाथ में ही मैं चंदन को रखना प्रेफर करती हूँ। ये अष्टगंध है और इसमें केसर चंदन मिला हुआ है, केसर युक्त अष्टगंध है ये, तो इसीलिए इसका कलर थोड़ा सा आपको ऑरेंज लगेगा। इसमें गंगा जल को मैं मिलाती हूँ, एक पेस्ट की फॉर्म में बना करके फिर मैं दो उंगलियों से, अनामिका उंगली से और मध्यमा उंगली से, इसे माथे पे, पूरे माथे पे लगाती हूँ। इसे माथे पे लगाने से मुझे काफी ठंडक मिलती है। पूरे दिन मैं, जितना भी बहुत सारे लोग जो मुझसे मिलने आते हैं उनसे मिलने के बाद भी मैं थकान महसूस नहीं करती,
फैटी को दूर रखने के लिए ये तरीका बहुत अच्छा है। हमारे गुरुदेव ने हमें ये तरीका बताया है, उनके द्वारा दिया गया ही विशेष। अब हम कुमकुम लगाने जा रहे हैं, तो कुमकुम से बीच में हमें बिंदी लगाएंगे। अनामिका उंगली से ही तिलक किया जाता है, हमने तिलक लगा दिया है। इसके बाद एक और काम मैं करती हूँ, लास्ट जो चरण है मेरे तिलक लगाने का, उसके अंदर मैं काजल से तिलक लगाती हूँ। एक संत है, उनकी माता जी ने कहा कि आपको नजर लग जाती हो कि इतने लोगों से गुरु आप मिलती है, तो आप एक काला टीका जरूर लगाए। तो एक काला टीका मैं काजल से लगाती हूँ। अब हम तैयार हो गए हैं, चलिए बहुत सारे भक्त बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनसे मिलने चलते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।